हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लास। सो आज हम स्टडी करेंगे क्लास प्लस वन का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये दोनों ही टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं और लास्ट में इसके बेसिस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी। फर्स्ट है आपके पास साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? एक ऐसी नोटेशन जहाँ पर आप एक नंबर को सिंपल से सिंपल तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, जैसे आप आगे समझ जाओगे इन चीज़ों को। सो केमिस्ट्री क्या है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स की स्टडी है, और एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जो मास है वो बहुत ही कम होता है और ये बहुत ही ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर केमिस्ट की बात करें, उसको एक बहुत बड़े नंबर के साथ भी डील करना पड़ सकता है और एक बहुत छोटे नंबर के साथ भी। अगर हम बड़े नंबर की बात करें, आप इसमें देख सकते हैं कि कितनी जीरोज़ इंक्लूडेड हैं, कितने डिजिट्स इंक्लूड हैं। इतने बड़े नंबर के साथ भी काम करना पड़ सकता है और इतने छोटे नंबर के साथ भी काम करना पड़ सकता है हमारे पास, ठीक है। और भी अगर हम बात करें, जैसे प्लैंक कांस्टेंट हो गया, आपके पास स्पीड ऑफ लाइट हो गया, चार्ज ऑन पार्टिकल हो गया, सारे के बहुत बड़े नंबर है। मोल कांसेप्ट हो गया, अगेन 10^23 वैल्यू आती है। जब आप उस वैल्यू को पूरा लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो एक्चुअली में एक बड़ा नंबर है। तो एक तरह से ये हमें फनी लग रहा है कि हम अगर इन नंबर्स को काउंट करने लगे, आप इसको काउंट कर लो और ऐसे ऐसे नंबर्स का और आप एडिशन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क भी है जब हमने इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस को लगाना है। तो अब बात आती है कि हम फिर कैलकुलेशंस करेंगे कैसे इसकी। तो आप इन्हीं नंबर को किसी एक सिंपल से फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिए जहाँ पर हमें इस डाटा को हैंडल करने में प्रॉब्लम ना आए। और ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व की गई साइंटिफिक नोटेशन से। साइंटिफिक नोटेशन हमें क्या बोलती है कि कोई भी आपके पास नंबर है ना, उसको इस फॉर्म में लिखो, n × 10^n, n × 10^n, जहाँ पर ये जो n है ये एक एक्सपोनेंट है जिसकी पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है और नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। और ये जो n है वो एक नंबर है, एक डिजिट है, जिसकी वैल्यू जो वेरी करेगी वो कितनी होगी, 1.00 सो ऑन से लेके 9.99 एंड सो ऑन। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास ये नंबर है और आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, साइंटिफिक नोटेशन में ना फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल आता है। देख रहे हैं यहाँ पर भी फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। तो दैट मीन्स इस नंबर को 232.508 को हमने कुछ इस तरह से एक्सप्रेस करना है, 2.32। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखते हैं इसका पॉइंट हटा के, डिवाइडेड बाय कितना आया, 3 ज़ीरोज़ आ गई। अब हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें कि ये पॉइंट जो है यहाँ पर शिफ्ट हो जाए। 3 ज़ीरो तो था, हमें पॉइंट को और शिफ्ट करना है, दैट मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड डिवाइड बाय 100। तो आपके पास ये जो पॉइंट है वो शिफ्ट हो गया कितने पे, 2.32508 मल्टीप्लाइड बाय क्या बना, 10^2। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड साइंटिफिक नोटेशन, क्लियर। नेक्स्ट इज आपने 0.00016 को लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। अगेन देखते हैं 0.00016, इट इज 16 डिवाइडेड बाय कितने जीरो आएंगे, 5 ज़ीरोज़, 1, 2, 3, 4, 5, क्लियर। अब हमें लिखना है इसको 1.6 की फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, सिर्फ एक डेसिमल यूज़ होने वाला है, ये जो बाकी सारी जीरोज हैं ये कहाँ चली जाएंगी, न्यूमरेटर में, और पावर क्या हो जाएगी, -4। सो 1.6 × 10^-4 इज़ द रिक्वायर्ड साइंटिफिक नोटेशन। एक और सिंपल सी चीज़, जो आपने मोल कॉन्सेप्ट तो आपने बहुत फेमिलियर हो गया आप इस चीज़ से, तो उसको कैसे लिखते हैं, 6.022 × 10^23। अगेन आप ध्यान दीजिए, फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल है, ये भी क्या आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखा जाता है। तो अब अगर हमें इस पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाने हैं ना, तो वो हमें ईजी हैं। और अब ध्यान देते हैं कि अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाएंगे कैसे। सो फर्स्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन जो हम इसमें लगाने वाले हैं वो है मल्टीप्लिकेशन और दूसरा है डिवीजन का। अब अगेन देखिए, मल्टीप्लिकेशन आपने इसको करना है, सपोज 5.6 × 10^5 को 6.9 × 10^8 से मल्टीप्लाई करना है। सिंपली आप क्या कर सकते हैं, 5.6 को 6.9 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि ये बेस सेम है और आपके पास जो है वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन में है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगी। तो 10^5 × 10^8 दिया हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, 10^5 + 8, और ये जो आपके पास रिजल्ट आएगा, तो ये रिजल्ट आया आपके पास 38.64 × 10^13। बट हमें तो वैल्यू किस में लिखनी है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखनी है। क्या करेंगे, हमें 38.64 × 10^13 है और हमें पॉइंट चाहिए 3 के बाद, तो हम क्या करेंगे, सिंपल से तरीके से डिवाइडेड बाय 100, हमें एक ज़ीरो और चाहिए, एक ज़ीरो के लिए क्या करने वाले हैं, 10^13 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि 10 / 10 क्या होगा, 1 ही होगा ना, तो
तो ये एक पॉइंट आपके पास शिफ्ट हो गया और ये पावर कितनी बन गई, 10^14, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अब ये भी ध्यान रखिएगा, फिजिकल में ना जब भी आप आंसर की बात करते हो तो उसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में ही लिख के आना आंसर को। सेकेंड एग्जाम्पल है आपके पास 9.8 × 10^-2 × 2.5 × 10^-6। अगेन सेम है, 9.8 × 2.5 कर दीजिए, इधर से पावर्स आप बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, टू माइनस टू आपके पास क्या हो गया, -6। ये आंसर आ गया आपके पास 24.50 × 10^-8। अगेन साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो 24.50 × 10^-8 आपने लिखना है। तो ये क्या बन गया, 2450/100 × 10^-8। हमें एक पॉइंट को शिफ्ट करना है यहाँ पर, दैट मीन्स एक वैल्यू और चाहिए, और ये आपके पास पावर क्या है, -8 है, दैट मीन्स ये पावर आपके पास जो 10 की थी वो वैल्यूज वो डिनोमिनेटर में थी, तो यहाँ से हमने एक वैल्यू ले ली, तो 2.5450 × 10^-2 आपके पास क्या बन गया, -7 इज योर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट जो केस है वो डिवीजन का है, विच इज़ 2.7 × 10^-3 / 5.5 × 10^-4। कैसे करेंगे, 2.7 / 5.5 हम कर लेंगे। अब आपके पास बेस सेम है बट जो ये नंबर्स हैं वो किस में है, डिवीजन में है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, इसका मतलब 10^-3। अब ये डिवीजन में आपके पास क्या है, 10^4, दैट मीन्स 3 − 4 ही आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास आंसर जो आया वो क्या आया, 0.4909 × 10^-7। अगेन हमें आंसर को एक्सप्रेस करना है साइंटिफिक नोटेशन में, अब तक आपको समझ आ ही गया होगा कैसे करना है, तो 4.909 × 10^-8 जो है हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट इज एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अभी तक देखिए हमने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किया, तो हमने जो भी पावर्स थी ना उसको ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दिया। अगर आपके पास बेस सेम है और टर्म मल्टीप्लिकेशन में, तो पावर्स को ऐड कर दिया, बेस सेम है टर्म्स डिवीजन में, तो उन पावर्स को क्या किया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब जब एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात करते हो ना, तो वहाँ पर आपको जो भी 10 की पावर है उसको कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने के लिए वो दोनों वैल्यूज़ का सेम होना ज़रूरी है। एग्जांपल से समझते हैं, आपने 6.65 × 10^4 को ऐड करना है 8.95 × 10^3 में। तो सबसे पहले हमें इसको एक पावर में करना पड़ेगा सम अप। आप 10^4 ले रहे हो या 10^3 ले रहे हो, एक ही वैल्यू बनाओ, आइधर दोनों टर्म्स को 10^4 की टर्म में लिखो या दोनों टर्म्स को 10^3 में लिखो। तो हमने 10^4 में लिख दिया। कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये तो 10^4 है ही सही, तो 8.95 × 10^3 हमें गिवेन है, तो इसको कैसे बनाएंगे, 895/100 × 10^3। अब हमें क्या चाहिए आंसर, 10^4 में चाहिए, दैट मीन्स 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, तो ये क्या बन गया, 0.895। यहाँ पर आपको साइंटिफिक नोटेशन बाद में आंसर में एक्सप्रेस करनी है, जो भी आपके पास मेथड है उसमें साइंटिफिक नोटेशन तो बाद में ही आएगी, जो फाइनल आंसर आएगा उसके लिए ही यूज़ होएगी। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में सबसे पहले आपको 10 की जो पावर है वो दोनों केसेस में सेम करनी है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 0.895 × 10^4। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे, 6.65 + 0.895 × आपके पास कॉमन निकाल लिया आपने 10^4, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, इट इज़ 7.545 × 10^4। अब सब्सट्रैक्शन करना है, उसमें भी यही काम करना है आपने, पहले जो 10 की जो पावर्स हैं उसकी वैल्यू को सेम करो, जैसे यहाँ पर 10^-2 है और इधर 10^-3 है, तो किसी भी एक फॉर्म में अपने आंसर को एक्सप्रेस करो। तो वो क्या होगा, आपके पास 10^-3 को मान लो 10^-2 में आपने चेंज कर दिया, फिर इन टर्म्स को सब्सट्रैक्ट करोगे और जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा वो ये वाली वैल्यू आएगी। क्लियर। नेक्स्ट आता है टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, विच इज़ योर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर को समझने के लिए थोड़ा सा और चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले जैसे आपने कोई भी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट की, ठीक है, उसमें क्या होगा, कुछ अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी होगी। अनसर्टेनिटी मतलब कोई भी चीज़ का डाउट होगा, कोई भी चीज़ आप वैल्यू प्रॉपरली नहीं बता पाओगे। अब उसमें दो कारण हो सकते हैं आपकी वैल्यू को एग्जैक्ट ना आने के, एक तो कि आपके पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो इतना प्रॉपर आपको एनालाइज नहीं कर पा रहा, प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पा रहा। दूसरा, उस पर्सन का स्किल जो आपके पास उस इंस्ट्रूमेंट से काम कर रहा है, मान लीजिए आप कोई भी वेइंग बैलेंस पे कुछ वे कर रहे हो, या तो वेइंग बैलेंस इतना आपके पास प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, वो बहुत पुराना हो चुका है, उसमें एरर आते हैं,
या दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपने कहीं ना कहीं उस रिजल्ट को देखने में गलती कर दी। तो ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर अनसर्टेनिटी के चांसेस हैं। जैसे आपने मान लीजिए एक मास, एक ऑब्जेक्ट का मास देखा, एक दो इंस्ट्रूमेंट से देखा, एक आपने प्लेटफॉर्म बैलेंस ले लिया और उस पर मास आ रहा था 9.4 ग्राम। दूसरी तरह आप अगर आपने मास देखा किसी भी ऑब्जेक्ट का एनालिटिकल बैलेंस पे, जो हम लैब में यूज़ करते हैं, उस पे जो मास आ रहा था वो आ रहा है 9.4213 ग्राम। दैट मीन्स जो मास ऑब्टेंड हो रहा है एनालिटिकल बैलेंस से वो थोड़ा ज़्यादा है जो मास ऑब्टेंड हुआ प्लेटफॉर्म बैलेंस पे। इसलिए जो ये जो डिजिट आपके पास 4 आ रहा है डेसिमल के बाद, इसको आप अनसर्टेनिटी से नहीं बता सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि 9.4 आएगा या 9.4213 आएगा। तो ये डिजिट क्या हो गया, ये एक अनसर्टेन हो गया। तो जैसे ही अनसर्टेनिटी की सिचुएशन आती है तो वहाँ पर हम देखते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, ऐसी फिगर्स जो आपको ज़रूरी है। जैसे आप मान लीजिए, आप सोचो कि आप 9.4213 है, तो इसको कितने टर्म तक इग्नोर करोगे, क्या आप ये टर्म्स को इग्नोर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, कैसे रिजल्ट पे फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, यही हमें बताती है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, इतनी सफिशेंट अमाउंट ऑफ वैल्यू जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर समझें, या दूसरी तरह से अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स वो मीनिंगफुल डिजिट्स होते हैं जिसको आप सर्टेनिटी के साथ बताते हो, श्योर पे। तो अनसर्टेनिटी अगर आप बात करते हो तो हम कुछ भी डिजिट्स को लिख के बता सकते हैं। ठीक है, कोई भी हमें मान लीजिए 11.2 ml है, तो हम 11 जो है वो तो सर्टेन है, उस पर तो हम श्योर हैं। पर क्या 0.22 ml जो आप लिख रहे हो डेसिमल के बाद, क्या उस पर हम श्योर हैं या वो अनसर्टेन है। इन सारी चीज़ों को अब डिस्कस करेंगे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को निकालने के भी कुछ तरीके होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, और इन रूल्स को आपको ध्यान ज़रूर रखना है क्योंकि यही रूल्स जो हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला रूल क्या कहता है, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जाम्पल 285 सेंटीमीटर है, अगर आप इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करो, सारे ही नॉन ज़ीरो हैं तो कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए यहाँ पर। अगर आप बात करो 0.25 ml में, तो इस टाइम पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, नॉन ज़ीरो की हम बात करें, नॉन ज़ीरो कितने हैं यहाँ पर, 2 हैं। ठीक है, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। तो पहला हमारे पास पॉइंट क्या था, जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। सेकेंड इज, ज़ीरो प्रोसीडिंग टू फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो आपके पास पहले नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले जो ज़ीरो आ रही है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, ये सिर्फ हमें डेसिमल की पोजीशन बताएगी। फॉर एग्जांपल 0.03, अब हमने बोला नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले जो भी ज़ीरोज़ आ रही हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी, ओनली 1। दूसरा देखते हैं हम 0.0052, अगेन नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले जितनी भी ज़ीरोज़ आ रही हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी, ओनली 2। ठीक है, नेक्स्ट इज़ 0 बिटवीन द 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जो भी ज़ीरो बीच में आ रही हैं, मान लीजिए आपने पहला नॉन ज़ीरो डिजिट लिखा, दूसरा नॉन ज़ीरो डिजिट लिखा, इसके बीच में जो भी ज़ीरोज़ आ रही हैं वो सारी सिग्निफिकेंट होंगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल है हमारे पास 2.005, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर हम बतानी है तो ये नॉन ज़ीरो डिजिट है, ये नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसके बीच में जो भी ज़ीरोज़ आ रही हैं वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होगी, 4। नेक्स्ट इज़ 0 एट द एंड ऑफ एट द एंड और द राइट ऑफ नंबर आर सिग्निफिकेंट। ज़ीरो अगर आपके पास एंड में है या किसी नंबर के राइट साइड में है वो तो सिग्निफिकेंट है, कब, जब वो आपके पास किसी डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल 0.200, अभी हमने बोला नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले वाली ज़ीरो तो सिग्निफिकेंट नहीं है। दूसरा, अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपके पास कोई भी नंबर के राइट साइड पे या एंड पे जो ज़ीरो है वो सिग्निफिकेंट है, कब, जब वो डेसिमल के बाद आएंगी, तो ये ज़ीरोज़ क्या होगी, ये सिग्निफिकेंट होगी, तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 3 है। ठीक है, बट दूसरा केस क्या है, बट इफ़ अदरवाइज द टर्मिनल ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ़ देर इज़ नो डेसिमल पॉइंट। मतलब अगर आपके पास ज़ीरोज़ राइट साइड में भी हैं, वो एंड में भी हैं, बट वो सिग्निफिकेंट उस केस में नहीं होंगी जब वहाँ पर कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होगा।
मान लीजिए आपने 100 को लिखा, तो 100 में ये नहीं आप सोच सकते कि ये दोनों काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में, नहीं होंगे क्योंकि इस केस में डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। बट अगर आप कुछ ऐसा लिख रहे हो 100 पॉइंट, मतलब पॉइंट के बाद कुछ भी लिखोगे, तो इस टाइम पर ये जो फिगर्स है ना ये 3 इंक्लूड होंगी, ठीक है। इस टाइम पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी, 3 होंगी। सो इस केस में देखें, जैसे 100.00 इस केस में कितनी होंगी, इस केस में आपके पास 5 होंगी। क्यों? क्योंकि ये तो देखो डेसिमल से पहले और नॉन जीरो डिजिट के बाद है, ये तो सिग्निफिकेंट बन गई, और डेसिमल के बाद वाली जीरोज आप वैसे भी लेते हो, तो ये टोटल इसमें कितनी होगी, 5 होगी, ठीक है। और ऐसे रिजल्ट्स को, जिस भी इस टाइप के रिजल्ट्स, हम कितनी वैल्यूज़ की बात करेंगे या कितनी जीरोज़ लगाते जाएंगे, तो 100 के बाद आप कितनी भी 0000 कुछ भी लगाते जाओ, ये तो सारी सिग्निफिकेंट में आती जाएंगी। तो इसको सिंपल से करने का तरीका क्या है, हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। जैसे मान लो आपने 100 है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखोगे, 1×10^2, ठीक है। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। अब अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हो 1.0×10^2, अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, डेसिमल के बाद अगर 0 राइट साइड पे सिग्निफिकेंट होती है तो इसमें कितने होंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अगर आप लिख रहे हो 1.00×10^2, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, अगेन डेसिमल के बाद वाली जीरो तो हमने काउंट करनी है, और जो भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो भी सिग्निफिकेंट है, तो इसमें कितने होंगे हमारे पास, 3 होंगे, क्लियर। तो अगर आप इस नंबर को कैसे भी एक्सप्रेस करते हो ना, तो वहाँ से आप साइंटिफिक नोटेशन के हेल्प से सिग्निफिकेंट फिगर्स बता सकते हो। तो ये सारे हमारे पास क्या थे, रूल्स थे। एक और जो लास्ट रूल है वो ये है कि अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट का नंबर काउंट करना है, जैसे मान लो 2 बॉल्स होगी, 20 एग्ज होगी, इसमें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। क्यों? क्योंकि देखो आप 2 को ऐसे भी लिख सकते हो 2.00000000, जितने मर्जी आप डेसिमल के बाद 0 लगाते जाओ, और वो जितनी भी डेसिमल के बाद आप 0 लगाओगे वो क्या होंगी, आपके पास सिग्निफिकेंट ही होंगी। इसलिए जो भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट का नंबर काउंट कर रहे हो ना, उसमें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है, क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर है, और एग्जैक्ट नंबर को आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज उसके बाद लगा के लिख सकते हो, डेसिमल लगाया, डेसिमल के बाद जितनी मर्जी 0 लगाते जाओ, वहाँ से उतने ही आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स बनते जाएंगे। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक जब आप नंबर की बात कर रहे हो तो उसमें इनफाइनाइट आपके पास नंबर ऑफ जीरोज होती हैं, ठीक है। जब भी आप नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हो तो उस टाइम पे जो भी डिजिट्स आएंगे वो सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। जैसे 4.01×10^2 आपने लिखा, तो इसमें कितने होंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 3 होंगे। नेक्स्ट आपने लिखा 8.256×10^-3, इसमें कितने होंगे आपके पास, टोटल 4 होंगे। तो जब भी आप किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हो, जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं वो सारे ही क्या हो रहे हैं, सिग्निफिकेंट। सो जितने भी रूल्स अभी तक हमने पढ़े हैं, एक बार उसको रिकॉल करते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा था, जितने भी आपके पास नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। दूसरा था आपके पास कि अगर कोई नॉन जीरो डिजिट से पहले कोई जीरो आ रही है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। तीसरा रूल ये था कि अगर आपके पास 2 नॉन जीरो डिजिट्स हैं उसके बीच में जीरो आ रही हैं तो वो क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी। और फोर्थ रूल हमारे पास था कि अगर जीरो कोई भी एंड पे या राइट साइड पे किसी नंबर के आ रही है तो वो सिग्निफिकेंट होगी, उस केस में जब आपके पास राइट साइड पे, मतलब डेसिमल के बाद आपके पास क्या हो रही है, जीरोज आ रही हैं, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे अगर कोई जीरोज हैं उस केस में ही जीरोज को आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में कंसीडर करोगे। अगर कोई भी डेसिमल नहीं लगा हुआ है, अगर कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है फिर आपके पास राइट साइड में जीरोज आ रही हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं की जा सकती। देन लास्ट हमारे पास रूल था कि अगर आप कोई भी एक प्रॉपर नंबर की बात कर रहे हो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज हो सकती हैं, इसलिए उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। और दूसरी चीज़, अगर आप किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हो तो जितने भी डिजिट्स वहाँ पर हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। हमने आज डिस्कस किया साइंटिफिक नोटेशन के बारे में और सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, इसको कम्प्लीटली रीड आउट करना है। कोई भी डाउट हो आप ज़रूर पूछिएगा, और जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाली हूँ, तो वो क्वेश्चंस आप नोट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने इस फिगर को एक्सप्रेस करना है साइंटिफिक नोटेशन में, 2650 6.25, ठीक है। सेकेंड है आपके पास, आपने एडिशन करनी है 2650 5×10^4 प्लस 16232×10^5। तो आपने नोट कर लिया होगा, दोनों क्वेश्चंस आपने करने, इट इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक नोटेशंस। सेकंड आपने जो करना है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स में,
आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी है 2, 5, 6, 4, 5 में. फर्स्ट इज, सेकेंड पार्ट इसका है, सिग्निफिकेंट फिगर्स ही आपने बतानी है इसमें 2, 1, 2, 0, 0 में. थर्ड इज, सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने बतानी है 1, 2, 1.000. क्लियर? तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे. एन्जॉय योर डे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.